हेलो गाइस, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए मैं 2017-18 की महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये हमारा जो है लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है गाइस, और एक बात और, अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जाकर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसा लगा। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएँ। चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो पर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं हम चर्चित व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, पहले नंबर पे हम बात करेंगे विजय केशव गोखले। ठीक है, वरिष्ठ राजनयिक विजय केशव गोखले द्वारा 29 जनवरी 2018 को भारत के 31 ठीक है विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया। उन्होंने इस पद पर एस जयशंकर का स्थान लिया। ठीक है, यानी कि इससे पहले इस पद पर जो है एस जयशंकर थे और अब इसमें जो है विजय केशव गोखले हैं। ठीक है, नंबर सेकंड पे आते हैं के सिवान। ये गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हाल ही में आया था, ये अलाइट के प्री एग्ज़ाम है भी और इसके बारे में बताएंगे अब। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक तथा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर BSSC के निदेशक के सिवान द्वारा 15 जनवरी 2018 को इसरो के 9वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला गया। अब क्वेश्चन बनता है कि इससे पहले कौन था, तो उसका जो इससे पहले थे उसे वो थे हमारे SS किरण कुमार। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है गाइस। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं विजय सहस्त्र बुद्धे के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 दिसंबर 2017 को राज्यसभा सदस्य विनय सहस्त्र बुद्धे को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, विनय सहस्त्र बुद्धे भाजपा के सांसद हैं, बहुत ही ये भी ठीक ठाक है पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, दूधनाथ सिंह। ठीक है, दूधनाथ सिंह जो है हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार दूधनाथ सिंह का 11 जनवरी 2018 को इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में इनका निधन हो गया। वे 81 साल के थे, 81 ईयर्स के थे। अब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं इंदु मल्होत्रा। गाइस, ये सर्वोच्च न्यायालय के कलेजियम ने 11 जनवरी 2018 को वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, ये अच्छा खासा पॉइंट लग रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दिया मिर्जा, जो कि बॉलीवुड से संबंध रखती हैं, सब जानते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता दिया मिर्जा को 29 नवंबर 2000, ये जो है बॉलीवुड अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, इनको जो है 29 नवंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र परिवहन कार्यक्रम UNEP की सद्भावना दूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं सुनीलता श्रीवास्तव। गाइस, लोकसभा सचिवालय द्वारा 29 नवंबर 2017 को वरिष्ठ IAS अधिकारी सुनीलता श्रीवास्तव की लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गई। बहुत ही मोस्ट है ये, वेरी मोस्ट, वेरी मोस्ट, आप इसको मान के चलिएगा। ठीक है, फर्स्ट फीमेल। ठीक है, महासचिव है ये लोकसभा की। अब बात करते हैं नेक्स्ट की दलवीर सिंह भंडारी, ये भी बहुत मोस्ट है। ठीक है, भारत द्वारा ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए नामित दलवीर सिंह भंडारी को 21 नवंबर 2017 को
लगातार दूसरी बार निर्वाचित किया गया, यानी कि इससे पहले भी ये चुने गए हैं। दलवीर सिंह भंडारी को 193 यानी कि 193 मतों में से जो है 183 मत इनको जो है प्राप्त हुए, 183 इनको मत प्राप्त हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने विजय हासिल करी है। अब नेक्स्ट है जो वो है शुभांगी स्वरूप, ठीक है। शुभांगी स्वरूप को 23 नवंबर 2017 को भारतीय नौसेना में पहली पायलट के रूप में नियुक्ति दी गई। वह जल्दी ही नौसेना के बेड़े में शामिल लड़ाकू विमानों का परिचालन करेंगी, ठीक है। बहुत ही ये मोस्ट है, फर्स्ट फीमेल, वेरी मोस्ट की सूची में इसको भी शामिल किया जाता है। तो गाइस ये बहुत ही आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये पार्ट 1 है। इसके बाद में इसके और भी पार्ट जारी करूँगा, तो प्लीज़ गाइस आप मेरे साथ बने रहें। और हाँ, इसके बाद आपको मैं अब जो है की पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही आपको हेल्प करेगा। आज का जो की पॉइंट है वो वित्त आयोग से संबंधित है, 15 वित्त आयोग के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा 28 नवंबर 2017 को वरिष्ठ नौकरशाह एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग की गठन से संबंधित जानकारी दी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता भी है और जाने की संभावना भी है कि भाई 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो क्या है वो, इसका आंसर वरिष्ठ नौकरशाह एनके सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। इस गठन संविधान की धारा, जिसका गठन है, इसका गठन संविधान की धारा 280 के अनुच्छेद 1 में प्रदत्त शक्तियों के तहत दिया गया, ठीक है। ये भी बहुत ही मोस्ट की सूची में रखेंगे इसको, धारा 281, ठीक है। यह आयोग 1 अप्रैल 2020 से आगामी 5 वर्षों के लिए केंद्र तथा राज्यों के बीच करों के बंटवारे को निर्धारित करेगा, यानी कि ये राज्य और केंद्र के मध्य जो करों के संबंधित जो होता है उसे बारे में ये करेगा, कितना परसेंट होना चाहिए। बहुत ही ये अच्छा है, और एग्ज़ाम में आप मान के चलिए कि आने की संभावना है, मोस्ट वेरी मोस्ट की सूची में ये भी, तो आप इसे ज़रूर याद करिएगा। तो थैंक यू गाइस, आपने ये मेरा वीडियो लास्ट तक वॉच किया।